क्या आप भी अपना घर लेना चाहते हैं और बहुत दिनों से सोच रहे हैं लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा? आपको ये नहीं पता कि जब घर खरीदने जा रहे हैं, आप जो देखने जा रहे हैं घर को, तो उसे वास्तु के अनुसार कैसे चुने, क्या चीजें देखें? तो चलिए इस वीडियो में हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, दो चीजें, आप कैसे देख सकते हैं कि आपके प्रॉपर्टी के योग हैं या नहीं, और दूसरा, आप जब घर खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पर क्या चीजें ऐसी बेसिक तौर पर देखें जिससे कि आपको वो घर चुनने में बहुत आसानी हो। सबसे पहला कि आपके घर खरीदने के योग, बहुत नॉर्मल तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है, कि वो है या नहीं है। देखिए, हर कोई घर खरीद सकता है, इट इज ओनली दैट कि आपको पता होना चाहिए कि वो योग आप कैसे बनाए। दूसरा, जब आप जाते हैं किस तरीके से, क्या चीजें चेक करें जिससे कि आपको कम से कम एक बेसिक तौर पर संतुष्टि हो कि हाँ, आपने जो घर खरीदा है वो उतना बुरा नहीं है। तो सबसे पहला कि आपके घर खरीदने के योग आप खुद कैसे देखेंगे। अगर आप किसी ज्योतिष के पास नहीं जा रहे, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में अगर आप नहीं आ रहे, वास्तु कंसल्टेंट के पास में नहीं आ रहे, आप खुद कैसे देखेंगे? तो आप सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कहीं लिखिए, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसे पूरा लिखिए। लिखने के बाद में जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 15 तारीख को हुई है, तो 15 को आप ऐड कर दीजिए, 1 + 5 = 6, 6 उसे आप अलग से लिख लीजिए। या फिर मान लीजिए अगर आपका 5 तारीख को जन्म हुआ है, तो 5 का 5 लिखिए। और इसके अलावा आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है उसे आप ऐड करिए। मान लीजिए आपका जन्म अगर किसी भी महीने के 15 तारीख को हुई है, और उस पूरे डेट ऑफ बर्थ को आपको ऐड करना है कैसे, मान लीजिए 15 जनवरी 2024 को आपका जन्म है, एग्जांपल जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 15 जनवरी 2024, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1511, यहां पर महीना है, इसके अलावा 2024, तो 2 2 4। अब इस पूरे डेट ऑफ बर्थ को आपको ऐड करना है, आप जब ऐड करके उसे देखते हैं तो जो भी नंबर सिंगल डिजिट में जो भी नंबर आता है उसे भी आप अलग से लिख लीजिए। तो जो पहले आपने देखा वो है आपका बर्थ नंबर, जो कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ, मान लीजिए 15 तारीख को, तो 1 + 5 = 6, 6 आपका हो गया बर्थ नंबर, ठीक है। और पूरे जब डेट ऑफ बर्थ को आपने ऐड करके सिंगल डिजिट में जो नंबर निकाला वो आपका हो गया डेस्टिनी नंबर, ठीक है। अब ये निकालने के बाद में आप इस चीज को चेक करिए कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 5 नंबर और 8 नंबर, ये पूरे डेट ऑफ बर्थ में, और जो दो अलग नंबर आपने बर्थ और डेस्टिनी नंबर निकाला है, क्या इन पूरे नंबर्स को मिला करके, या पूरे नंबर को अगर आप जो चेक करते हैं तो उसमें 2 नंबर 5 नंबर और 8 नंबर, ये तीनों के तीनों नंबर क्या आते हैं? अगर आते हैं तो आपके जरूर जरूर प्रॉपर्टी के योग हैं। और अगर नहीं आते हैं तो हम क्या उपाय करें जिससे कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं या हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि आपका वो नंबर्स आ रहा है, या उसमें से मान लीजिए कि 2 5 8 नहीं आ रहा है, कोई दो नंबर आ रहा है, लेट्स से कि 2 और 5 नंबर आ रहा है लेकिन 8 नहीं आ रहा, या फिर 8 और 5 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, या 8 और 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब फिर भी आपके योग हैं, लेकिन आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और या फिर बिल्कुल भी वो नंबर आ ही नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो 2 या 3 नंबर अगर आते हैं, या तीनों के तीनों नंबर आ जा रहे हैं, तो योग है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी तत्व को, क्योंकि आप जो घर खरीदेंगे वो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी तत्व को आपको और मजबूत करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए घर में आप खाली पैर चले, आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा उपाय है करेंगे। अब मानिए दूसरा सिनारियो हम लेते हैं कि ये नंबर बिल्कुल आता ही नहीं है, जो नंबर्स के बारे में हमने बात की, मतलब 2 नंबर भी नहीं है 5 नंबर भी नहीं 8 नंबर भी नहीं, ठीक है, या फिर कोई एक ही नंबर आ रहा है इन तीनों में से, तो वैसे में पृथ्वी तत्व आपका कमजोर है। आप अपने हस्बैंड में चेक करें, आप अपने वाइफ में चेक करें, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आ रहे हैं, आप उसके नाम पर घर, या उनको बोलिए घर ढूंढने के लिए, या कम से कम आप प्रॉपर्टी डीलर्स के पास में जाना चालू कर दिए। आप सोचेंगे पैसे नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि लोन कहां से मिलेगा, राइट?
तो ये भी देखिए एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। जब आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेजते हैं कि आपको ये चीज चाहिए, तो यूनिवर्स भी ना आपको वो चीज मिलाने के लिए प्रयास करती है। एक डायलॉग आपने सुना होगा अगर किसी चीज को दिल से, शाहरुख खान का, बताइए क्या डायलॉग है कमेंट बॉक्स में, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हो, तो इसके लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ में चेक करिए। अगर ये नंबर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों के, वाइफ के, हस्बैंड के, आप चेक करिए। जिनके भी आ रहा है उनके नाम पर प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करिए। उनको आप डीलर्स के पास में लेकर के जाइए। देखिए किसी भी डीलर के पास लेकर के जाने के लिए, प्रॉपर्टी देखने के लिए तो पैसा नहीं लगता, ठीक है, वो आपको ऐसे ही दिखा देंगे, राइट। सो आप देखना चालू करिए और फिर आप उसी समय आप लोन के लिए या किसी और प्रयास आप करिए, देखिए आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये पहली बात। अब आप उपाय क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं, आप प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो करनी है, खाली पैर, घर में खाली पैर आप चलिए। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो क्रिस्टल की माला या फिर क्रिस्टल की ब्रेसलेट आप पहन लीजिए। आप चाहें तो हमारे यहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर कहीं से भी आप ले लीजिए। इसके अलावा आपका जो जन्म स्थान है, ध्यान से समझिएगा, आपका जो जन्म स्थान है वहां की थोड़ी सी मिट्टी आप अपने पास में हमेशा रखें या फिर वहां का तिलक लगाएं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो घर के आसपास में कोई भी मंदिर हो या कोई भी मस्जिद, गुरुद्वारा, जिसे भी आप मानते हैं, वहां की मिट्टी से आप अपने मस्तक पर, यहां पर आप उसका तिलक लगाएं। ये आपको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हर रोज जब भी आप खाना खाते हैं, कम से कम एक टाइम का खाना आप किचन में बैठ करके खाएं, गैस स्टोव के पास में, या कम से कम अगर पूरा नहीं खा सकते तो एक निवाला आप गैस स्टोव के पास में, मतलब अपने किचन में, आप वहां पर कम से कम एक निवाला खाएं और उसके बाद फिर आप डाइनिंग टेबल पर ले जा करके बाकी आप खाना खा सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल उपाय बताया, बहुत ही सिंपल। आप शिवजी पर जल चढ़ा सकते हैं, क्रिस्टल की माला या फिर ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष की भी रेमेडी होती है, बट आप ये करके देखें, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि किचन में आप खाना खाएं, ठीक है, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। अब दूसरा सवाल आते हैं कि वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, वास्तु जब आप घर खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखें, कैसे आप समझें कि वहां का वास्तु ठीक है या नहीं है। तो देखिए कभी भी आप घर खरीदने जाते हैं तो मोबाइल में कोई भी कंपास ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में ही कर लीजिए, आपको अलग से कंपास खरीदने की जरूरत नहीं है अगर नहीं है तो। और जब आप ऐड कर लेते हैं, जब उसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन में कंपास की, तो जिस भी घर को या मान लीजिए प्लॉट को देखने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट के बारे में। अगर आप कोई खाली प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर खड़े होकर के इस चीज को देखें कि जो आपका रास्ता है, जो मेन रोड है आपके प्लॉट से, जहां से होकर के अगर आप उस घर को लेते हैं या फिर उस जमीन को अगर आप लेते हैं, उस प्लॉट को लेते हैं, तो आपका जो मेन डोर होगा, राइट, वो उत्तर की दिशा में हो या फिर पूर्व की दिशा में हो। वैसे दिशाएं कोई भी खराब नहीं है, दक्षिण और पश्चिम में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आप कम से कम उत्तर और पूर्व को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो प्लॉट है तो वहां पर इस चीज को देखें कि वो वहां की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा भुरभुरी नहीं है, नहीं तो वो जमीन अच्छी नहीं मानी जाती। वहां पर अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई सांप का बिल है या फिर आप बहुत ज्यादा चींटियों का जो हाइव होता है वहां, अगर इस तरह की चीजें हैं तो वो भी जमीन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आप वहां पर थोड़ी देर बैठ जाए या फिर आप थोड़ी देर उस जमीन पर खड़े हो, आंखें बंद कर ले, आप जिसे भी मानते हैं, अपने इष्ट देव को, आप उनका ध्यान करें, अगर आपको वहां पर अच्छा फील होता है थोड़ी देर, तकरीबन 5-10 मिनट उस जमीन पर, अगर आप 5 मिनट के लिए खड़े होते हैं और 10 मिनट तक खड़े हो गए और आपको कुछ भी गलत फील नहीं हुआ, तो फिर वहां की एनर्जी आपके लिए उतनी बुरी नहीं। ये बेसिक तरीका है। वैसे हम जब वास्तु के अनुसार हम देखते हैं तो हम बहुत तरीकों से हम देखते हैं, राइट, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप कोई घर खरीदने जा रहे हैं या फिर कोई आप फ्लैट ले रहे हैं, तो वैसे में क्या देखें, तो याद रखिए उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट और उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, ये दिशाएं कभी भी कट नहीं होनी चाहिए। जब आप वहां पर खड़े होकर के देखते हैं तो ये दिशाएं कट नहीं होनी चाहिए, या फिर उत्तर की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में आप इस चीज को गौर करिएगा कि वहां पर टॉयलेट ना आ रहा हो, किचन ना आ रहा हो, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक हो जाता है घर में रहने वालों के लिए। बहुत सारे लोगों को कैंसर या बहुत मेजर बीमारियां भी हुई हैं इस वजह से।
और ये बहुत सीरियस इशू है अगर नॉर्थ ईस्ट में घर के अगर आपके उत्तर पूर्व की दिशा में अगर किचन या फिर टॉयलेट आता है तो। अगर बताइए आपके घर में अगर ऐसा है तो आप कंपस लीजिए, घर के बीचों बीच खड़े होइए, आप अपने मोबाइल में कंपस का इस्तेमाल कर सकते हैं और धीरे धीरे मूव करते हुए देखिए कि क्या उत्तर पूर्व की दिशा में आपका किचन या फिर टॉयलेट आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ये पक्की बात है आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, आपके घर में अबंडेंस नहीं रहता, पैसे की दिक्कत होती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट की दिशा की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट जो कि मां लक्ष्मी की दिशा है, लिक्विड कैश की दिशा है, अगर साउथ ईस्ट की दिशा में काला रंग आ गया या फिर ब्लू रंग आ गया या फिर वहां पर पानी आ गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे में लिटिगेशन हो सकते हैं, घर में आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, शुगर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा भी देखा जो गया है कि लिक्विड कैश जो आप पैसे कमा करके लाते हैं, जो लिक्विड कैश आती है उससे रिलेटेड समस्याएं अक्सर देखी जाती है साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि पैसे की दिशा है, मां लक्ष्मी की दिशा है और वहां पर पानी आ गया, वहां पर अग्नि होना चाहिए उस दिशा में। अगर साउथ ईस्ट की दिशा में अगर किचन है तो यह बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम साउथ वेस्ट की दिशा की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट की दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा है। पृथ्वी तत्व इसका मतलब कि वो जो जोन है वो रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला कि वो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट जो है वो पैसे के लिए इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट जो है रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। अगर वहां पर कोई भी दोष हुआ, मान लीजिए वहां पर किचन आ गया, वहां पर टॉयलेट आ गया, वहां पर अगर कट है या फिर वहां पर हरा रंग अगर आ गया तो फिर ये आपके घर में रहने वाले आप पति पत्नी या फिर घर में जो रहने वाले लोग हैं इनके बीच में रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट कर सकता है। वहां पर अगर बालकनी भी आ गई तो भी बहुत बुरा है, वहां पर कोई बड़ा दरवाजा नहीं आना चाहिए, ये सभी चीजें बुरी हैं। तो आप साउथ वेस्ट की दिशा को आप चेक करें कि साउथ वेस्ट की दिशा में किचन टॉयलेट ऐसी चीजें ना आए, ग्रीन रंग ना आए। और फिर लास्ट में आप चेक कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट की दिशा, उत्तर पश्चिम की दिशा, ये जो दिशा है ये सपोर्ट की दिशा है। सपोर्ट, जब भी आप मान लीजिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कहीं भी आपको लाइफ में किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा उसी चीज के लिए है। तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा को भी आप चेक करें कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा में भी मान लीजिए अगर कोई कट है, किसी भी तरह का वास्तु फॉल्ट है तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम लेकर के आता है। साथ ही साथ जब भी आप घर लेते हैं तो घर लेने के या फिर आप कोई प्लॉट लेते हैं तो उसके ठीक मेन गेट के सामने आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई बड़ा ट्रांसफार्मर ना आ रहा हो, कोई ऑब्स्टिकल, कोई बड़ी ऑब्स्टिकल ना आ रही हो, इन बेसिक बातों का ध्यान दे सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि आप जब भी कोई भी आप फ्लैट लेने जाते हैं या फिर कोई घर लेने के लिए जाते हैं या फिर किसी भी तरह का आप मकान लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या चीजों को चेक कर सकते हैं और आपके वास्तु के योग, घर खरीदने के योग आप किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी रेमेडी भी मैंने आपको प्रोवाइड करी। आप मुझे बताइए कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि अभी घर देख रहे हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं और नहीं खरीद पा रहे हैं। मेरा रिकॉर्ड इस चीज में बहुत अच्छा है, एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया है मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू या रेमेडीज के थ्रू और उनके घर आज है। सो आप घर खरीदने समय इन बेसिक चीजों पर आप ध्यान जरूर दे सकते हैं। बताइए कमेंट करके कि आपने अपना घर कब खरीदा था, बताइए कि आप क्या घर खरीदना चाहते हैं। एंड इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आई एम श्योर हम सभी लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में घर तो जरूर खरीदना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी अपनी घर जरूर होगी और कभी ना कभी आप मुझे अपने घर में जरूर इन्वाइट करेंगे। सो विद दिस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैव अ ग्रेट डे।